नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के साथ साथ ही बीजेपी में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व विधायक कैलाश मेघवाल का भी नाम चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। आपको बता दें, गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के मेवात से आते हैं, जहाँ 8 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं और RSS के स्वयंसेवक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएँ दी है। पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर लगातार जो है संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कई जो है कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जनता की आवाज़ बुलंद करने को लेकर धरने प्रदर्शन का भी सहारा लिया गया। लेकिन अब जिस तरह आलाकमान की ओर से उमर दराज को जिम्मेदारी देते हुए असम का राज्यपाल बनाया गया है, ऐसे में बीजेपी में चर्चाएं चल रही है, क्या उमर दराज को जो है बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान देगा, क्या नई पीढ़ी को मौका देगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि विधानसभा भी का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में जिस तरह बदलाव हुआ है, ऐसे में चर्चाओं का विषय भी तेज हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो विधानसभा सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी पास में है, ऐसे में क्या आलाकमान आगे क्या निर्णय लेगा, किसको ये जिम्मेदारी देगा, क्योंकि उप नेता प्रतिपक्ष को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, नेता प्रतिपक्ष क्या कौन होगा, क्या संगठन को मजबूती प्रदान करने वाला होगा, क्या अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी या युवा पीढ़ी को मौका दिया जाएगा। अब अंतिम फैसला आलाकमान को करना है, क्योंकि पार्टी अपने स्तर पर तो लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह का बदलाव हुआ है उसके बाद चर्चाएं भी तेज हो गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आलाकमान किसको देता है, क्योंकि बीते दिनों देखने को मिला था कि 8 से 10 जो है बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे, अलग अलग सभाएं की जा रही थी, इसका रिपोर्ट कार्ड आलाकमान को भी सौंपा जा रहा था, लेकिन अब अनुभव को प्राथमिकता देते हुए गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल तो बना दिया गया है, मनमुटाव खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में चर्चाएं भी तेज हो गई है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।